महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में, सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मौत को कई कई बार मात देने वाले लोग जब मस्ती में होते हैं तो उन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में चुनाव निपटाने के बाद पुराने नक्सलवादी और अब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान मस्ती में नाचते नजर आए। डीजे की धुन पर डांस करते जिन जवानों को आप देख रहे हैं, इनकी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, चुनाव ड्यूटी निपटाने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फन सिटी रायपुर में डांस करते DRG के ये वो जवान हैं जिनके नाम और काम से नक्सलवादियों के भी पसीने छूट जाते हैं। अब बस्तर में जो नक्सलवादियों का साम्राज्य खात्मे की ओर है, उसका श्रेय इन्हीं DRG के जवानों को जाता है। आप सोच रहे होंगे कि DRG के जवान हैं क्या और DRG के जवानों में ऐसी कौन सी खासियत है, तो जान लीजिए, DJ की धुन पर थिरकते इन जवानों में अधिकांश दुर्दांत नक्सलवादी रहे हैं। दुर्दांत नक्सलवादी जिनके नाम और काम से इंसान तो इंसान जंगल भी थर्रा जाते थे। सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया तो सरकार ने भी इन्हें हाथों हाथ लेते हुए पुलिस में भर्ती कर लिया। विशेष प्रशिक्षण दिया गया, एक नई फोर्स तैयार की गई, DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। स्थानीय भाषा, बोली और बस्तर के जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ, खासतौर पर माओवादियों के तौर तरीकों और ठिकानों से वाकिफ इन पूर्व नक्सलियों और अब पुलिस के DRG जवानों ने नक्सलवादियों पर वो कहर बरपाया कि आज नक्सलवादियों को छिपने के लिए जंगल में भी जगह नहीं मिल रही है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सबसे आगे यही DRG होता है और मुठभेड़ होने पर नक्सलियों के लिए साक्षात्काल बनके DRG के जवान पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव ड्यूटी निपटाने के बाद ये जवान मस्ती में है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में, सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का।